रूम की लाइट कैसे जल गई अपने आप? ये देखिए गाइस, ये नाली है, चुई चुई नहीं चुई है, ये सूखा नहीं है, वो ऐसे नहीं कर रहा है। क्या करूं क्या करूं, दिमाग में कुछ है भी तो नहीं, ये सूख गया। देखो इनकी ड्रेस बना दी मैंने, एक कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। ये है तो मेल, पर मैंने इनकी फीमेल वाली ड्रेस बना दी क्योंकि मेल क्या ही ड्रेस पहनेंगे, हेविंग को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देख रहे हैं धूप में रखो तो सूखेंगे, उस सूख जाएंगे एकदम से, नहीं रखेंगे। धीरे तो बढ़ी ना यार, ढीले नहीं नवा रही थी ना ली की ड्रेस बन पाई है, पर थक गई मैं मैंने इससे पहले एक और बनाई थी, वो साइज ही नहीं आया। कैसी है लीच बना के लाई है? अरे इन्होंने तो आज बहुत गंदी फोटो लगाई है, जो फोन आता है तो छत पे बहुत गंदी फोटो लगाई है। बदली बदला करने जाना है, कलर का वो हो गया है, कोई लेके आई थी वो सब कलर दूसरा है, दूसरा लेके आना है। दूध पियो दूध, चलो वो उसको नींद चढ़ी, नाली है ना उन्हें नींद चढ़ी है जी, जाए नहीं चढ़ी चैतान को। हम जाए ड्रेस पहना दे, सूख गया पूरा। अरे यार मैं सूख नहीं, अभी और सूखने दो अंदर, सही पहना के तो देख ले। रुको पहनाती हूं मैं, देखो है वो दूध कैसे पी रहा है। लाओ तुम जावे डालो, वैसे नहीं पीती है अपने कटोरे में। अच्छा मम्मी गंदगी में खा दे रही भाई, शर्म आ रही है, मुंह छुपा लिया, लड़की बना लिया, लड़की वाली फ्रॉक पहना दी है, निकालना जरा कपड़े पहने है। चल नहीं पा रहा, गोदी में ले लो, गोदी में ले लू। गाइस चलते हैं सूप बनाने, मेरे लिए कौन सा वाला पियोगी तुम? तुम पर ही रहो, मैं ससुराल से आई है जब तुम आओगी गाइस ससुराल से तो तुम्हारे लिए बनाऊंगी। सो जाओ गाइस, ये देखिए चुखरे सो रहे हैं चुखरे, ये तो उसको कुतर रहा है, क्यों गाइस अब मैं आई हूँ सूप बनाने। मम्मी तुम पियोगे सूप? मिलेगा तो पी लेंगे। मम्मी इतनी बोली वरना जैसे मम्मी को खाना नहीं देते। कल हम लाई थी मॉल से सूप, सूपी सूपी मोटा दिए, वही वाला रूप है गाइस, इसलिए मैं गेट खोल कर आती हूँ अब अंदर। चलो गाइस चलते हैं, चलिए गाइस बनाते हैं, इग्नोर दिस दिस ना, इतने बताया था कितना पानी, पर मैंने डाल दिया कितना पानी। ये दीदी का बनने जा रहा है गाइस, ये देखिए गाइस उबल रहा है, बॉइलिंग बॉइलिंग हो रही है गाइस। मैं अपना बनाने जा रही हूँ, दीदी वाला तो दीदी को दे आई मम्मी, देखिए गाइस कैसा दिख रहा है,
टट्टी। स्मेल कैसी आ रही इसमें से? ये वो है मंचूरियन जैसा सूप। स्मेल कैसी आ रही है? कैसी? मैं वो खाती थी ना, वो पापा ने बनाया था ना, मेरी क्या बनाया था, वो घोड़े का क्या बनाया था है? नहीं दवाई बनाई थी ना, अश्वगंधा। स्मेल आ रही इसमें से? नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे तो। अश्वगंधा तो नहीं है गाइस, पत्ती डले हैं उसमें अश्वगंधा की। पॉटी अच्छा है, कुछ अजीब खट्टा सा है, अश्वगंधा जैसी लग रहा है। मेरा चेक, अपना चेक कराओ ना। बिल्कुल, ये तो और बेकार लग रहा है, दवाई खा रहे हैं पेशेंट में। वेजिटेबल्स हैं, मंचूरियन जैसे ही तो लग रहा है। इन्हें खाई नहीं ना कहूँ, इन्हें अश्वगंधा खाई है मंचूरियन के नाम पे। फोन तक तो पकड़ नहीं पा रही, गिर गिर जा रहा हूँ मुंबई। हाँ मम्मी, गाइस टेस्ट बताओ मास्टर शेफ। अच्छी का बना लाई है जी तुम। छी छी, मंचूरियन वाला वो गोल है वो। केमिकल वगैरह मैं फोटो मत डाल दी, मैं मार डाल रही हूँ। देख रही है गाइस, अभी मेरी हत्या करने की और धमकियां दे रही। नमक बहुत है यार। तो अपन ने थोड़ी डाला, उनने डाला। गाइस ये तो मुझसे भी नहीं खाया जा रहा। भैया खाओगे? क्या है? सूप। दो प्रकार के हैं, खा के देखो, टेस्ट करके देखो। ये मंचूरियन वाला देखो। जी खाएंगे नहीं हम, वही खाएंगे लेकिन। लो ठीक लग रहा है, तो ठीक है। दिक्कत तो नहीं कुछ इसमें है ना? क्या चोरी सुसु कर गए? नॉनवेज तो नहीं है कुछ? नॉनवेज घर में ले आएंगे हम लोग, खा रहे हैं मतलब। वहाँ में वेजीज डाली है, नॉन वेज जो टेस्ट कर ले। हाँ जी सही बोलिंग करेंगे तो हम खुद खुशी पता चलेगी। कैसा अचार है वो तो पूरा? अचार नहीं है, अचार नहीं बिल्कुल भी। खुशबू अलग है पर टेस्ट अलग है, टोटली डिफरेंट। तुम पे क्या नहीं खा रहा? मैं तो खा ही दी हूँ। जो बेकार लाल लाओ अब तो। ट्राइंग टू ईट, क्योंकि वो रात को खाते हैं। अब तो इन्हें बोल दो ऐसा ऐसा ही मन हो रहा है। अच्छा नहीं लग रहा हूँ मैं तो। मंचूरियन टेस्ट आता रहा उसमें, कहाँ से ले आई? मैं अगर खा लिया ना तो मेरे दांत में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे तुम तो दो पैकेट लाए हो, खाना इतने खट्टे, इतने खट्टे कितने खट्टे हैं, इतनी इज्जत खा के देखो, इतनी इज्जत तो ये खा लो फिर। इतना सारा दो दो सूप खाएंगे? वो वाला सबको पसंद आ रहा है, वो वाला बांट दो, ये खा लो। मैं तो गाइस काफ़ी लिमिटेड चीज़ें खाती हूँ, लेकिन वही लिमिट से बाहर खाती हूँ। मैं नए टेस्ट नहीं पालती हूँ, सोचा था ये वाला पालूँ पर मुझे नहीं पता था ये खट्टा होगा। खट्टा नहीं खा सकती ज़्यादा क्योंकि मेरे दांत में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मुझे मना किया है खुद खाने से। उनने साफ साफ बोला था कि चॉकलेट से कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी खाओ। हाँ, फिर दोबारा आओ। ये तो उनका काम है, ये से बोला नहीं है, गुटला बोला मैंने आया। अच्छा गुटला? हाँ मुझे लगता है पानी कम है इसलिए ऐसे लग रहे हैं। ऐसे होते हैं 600 वो जो लोटा है ना, एक लोटा पूरा, फिर वो तो बहुत पानी हो जाता, तो इसीलिए ऐसे लग रहे हैं गंदे बदतमीज। अपनी डालना है, थक गए जाओ तो वहीं जाओ। रूम की लाइट कैसे जल गई अपने आप? रूम की लाइट कैसे जल गई अपने आप? बाथरूम जल रही है। कैसे? मैंने जल रही। क्यों? क्योंकि मैं पहले उसमें जा रही थी, पर मुझे याद आया कि उसमें पानी ठंडा है तो मैं इसमें गई। तो लाइट कैसे लगाई? यहाँ लोगों के दिमाग दौड़ जाते हैं। गुस्सा रहते हैं शंकर जी से, हमेशा गुस्सा रहते हैं, बोले बाबा से हमेशा गुस्सा रहते हैं, उसका रीजन तुम बताओ। पता है क्योंकि वो जो लिखते हैं और भोले बाबा उसको बदल देते हैं। पूछा था
कुछ लेटेस्ट न्यूज लाइए मैडम। चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय और लाइक सब्सक्राइब प्लीज प्लीज।